ए दोस्त, अगर सारा आलम भी दुश्मन हो जाए तब भी ए दोस्त तुम्हारा साथ काफी है, लेकिन अगर दोस्त बेपरवाह हो जाए तो फिर आसमान भी रहमत न बरसाता और फिर एक के बाद एक दुश्मन मजबूत हो जाते हैं। मैं आपकी इस खामोशी का क्या मतलब समझू सुल्ताने मुअज्जम? ये पूछ रही है कि क्या तुम्हें अपने दोस्त पर शुबा है? दुनिया में जन्नत का मजा मुआफिक दोस्त की सोहबत है, मुखालिफ शख्स की सोहबत जहन्नुम की आग के मुतरादिफ है। शायर क्या कहता है? जिसे आप इस दुनिया में जन्नत कह सकते हैं वो वक्त है जो आप किसी ऐसे शख्स के साथ गुजारते हैं जो आपके सामने आपके मसले का हल पेश करता है, और दूसरी तरफ जहन्नम वो वक्त है जो आप किसी ऐसे शख्स के साथ गुजारते हैं जो सामने तो आपका दोस्त है लेकिन अंदर से वो आपका दुश्मन है। सुल्ताने मुअज्जम, आप अपने दोस्त के लिए क्या महसूस करते हैं? हमें डर है कि हम अपने दोस्त पर शुबा कर रहे हैं गालिब साहब। एक बहुत पुरानी बात है, एक आदमी सेब के दरख्त के नीचे सो रहा था तो अचानक एक जहरीला सांप उसके मुंह में दाखिल हो गया। वहां मौजूद एक घुड़सवार ये देख लेता है, वो घुड़सवार अपना कोड़ा निकालकर उस आदमी को मारना शुरू कर देता है। वो आदमी तकलीफ से उठ जाता है और घुड़सवार की तरफ गुस्से से देखता है। वो घुड़सवार दोबारा उसे मारने के लिए दौड़ता है, वो आदमी भागता है, सवार उसके ताकुब में जाता है, आगे आगे वो आदमी और पीछे पीछे वो सवार, वो दोनों भागते भागते वापस उसी जगह आ जाते हैं। घुड़सवार उस शख्स को कहता है कि ये खराब सेब उठाकर खाओ वरना मैं तुम्हें मारूंगा। उस आदमी को मजबूरन वो खाना पड़ता है। उस खराब सेब की वजह से उस आदमी को कह आ जाती है। फिर वो देखता है कि उसकी कह में एक सांप भी है, वो समझ जाता है और घुड़सवार से कहता है कि अगर आप ये सब कुछ मुझे पहले बताते थे तो मैं आपके बारे में बदगुमान ना होता। तो वो सवार उस आदमी से कहता है कि अगर मैं ऐसा करता तो तुम खौफ से मर जाते, लेकिन मेरी इस हरकत से तुम्हारे अंदर फुर्ती आ गई और इस तरह से तुम्हारी जान बच गई। हकीकत हमेशा तकलीफ देह होती है, कोड़े का लगना यकीनन तकलीफ दे था, लेकिन आखिर में ये जानकर सुकून भी मिलता है कि वो कोड़ा अपने दोस्त के हाथ में था।